जनपद एटा के कस्बा अवागढ़ में दाऊ जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। काफी हर्षोल्लास के साथ अलग अलग झांकी द्वारा पूरे कस्बा अवागढ़ में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मौजूद रहे महेश चेयरमैन, प्रवीण पत्रकार, डीआईपी भाई, सोनू ठाकुर, मोनू ठाकुर, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, शिव प्रताप ठाकुर, प्रवीण ठाकुर, अमित सुधीर कठेरिया, सनी कठेरिया, शिवम कठेरिया, आयुष कठेरिया, अनिल हेयर कटिंग शॉप वाला और पुलिस प्रशासन अवागढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर रामरतन यादव, करण चरण सिंह, रोचेन कांति शर्मा आदि थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा और हमारे चैनल की टीम भी शोभा यात्रा में मौजूद रही। एटा से वीर बहादुर की रिपोर्ट। जो ये मेला मनाया जाता है, किस पर्पज से मनाया जाता है, बताना चाहोगे? ये मेला हमारे अवागढ़ में श्री दाऊ जी महाराज के जन्मोत्सव पे मनाया जाता है। हमारे दाऊ जी महाराज जो है वो हमारे भारतीय समाज के पूर्वज हैं, इसलिए हम उनको वंश चलाने के लिए हम हर चीज को प्रयास करते हैं, हम इन्हीं के ऊपर से मेला निकालते हैं। क्या नाम है आपका? शिखर वास्तु। ये आपके अवागढ़ मेला मनाया जाता है, किस पर्पज से मनाया जाता है, बताना चाहोगे? ये हमारे दाऊ जी का मेला है, ये हम 74 साल से मनाते हुए आ रहे हैं। बोलो नीति। ये हमारा मेला दाऊ जी का मेला है जो 74 साल से मनाते हुए आ रहे हैं। ये हमारा पर्व है, इसको हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। ये हमारे अवागढ़ का सबसे पुराना मेला है, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगले साल से 75वां होने जा रहा है। कितनी साल हो गए इस मेले को निकलते हुए? 74 साल। आज इस मेले में माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी विधायक पूर्व राज्य मंत्री बन चुके हैं, इस टाइम बधाई आए थे और भी मुख्य अतिथिगण आए थे। हरदोई में श्री विनायक समिति के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला में चल रहे 20वें गणेश उत्सव में प्रार्थना पूजन अमित पांडे द्वारा किया गया। नैमिषारण्य के व्याकरण आचार्य श्री राजेश शास्त्री द्वारा बड़े ही विधि विधान द्वारा बप्पा की पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोपहर में हरदोई के महाराजा का सहस्त्रार्चन समिति के संस्थापक सोमेंद्र अग्रवाल द्वारा दुर्वा से किया गया। आज का प्रसाद सहयोग कुंज लुएब द्वारा रहा। आरती में प्रमुख रूप से हरगोविंद सेठी, नरेश गोयल, जय भगवान अग्रवाल, अविनाश चंद्र गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंह, संदीप अग्रवाल, राजेंद्र पटेल, हरिशंकर जालान सहित समिति के पदाधिकारी तथा जनपद के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमीरपुर जिले की सदर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी युवराज सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में भाग लेने के लिए भारी लाभ लश्कर के साथ हमीरपुर पहुँचे उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। नामांकन के बाद उप मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को भी संबोधित कर प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के काम चढ़कर बोलेंगे, भाजपा की एक तरफा जीत होगी, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमीरपुर से तेज सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर के फेरूवाला कॉलोनी में रहने वाली गुलाब सिंह पर कुछ अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों के साथ वह घर का सारा सामान तोड़ दिया, साथ ही बुजुर्ग महिला को भी डंडों से पीटा गया। गुलाब सिंह की पत्नी को भी पूरी तरह से पीटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी हथियार लेकर घर में घुसे थे, वह बुरी तरह से घर को तहस नहस कर दिया। मेरे पास हमला किया ककड़ोनी का आशु बनीवाल है, जो यहाँ पे मेंबर भी है ब्लॉक समिति का। क्या मामला था, क्यों? कोई मेरा कोई लड़ाई नहीं थी सर उसके साथ कुछ भी, और उसका भाई सुनील था और एक सचिन है बिलासपुर से ही, सचिन शर्मा एक वो था, और कम से कम 15-20 बंदे थे सर। उन्होंने मेरे साथ उनकी कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं था। हम सुबह कहाँ यहाँ मैं दुकान पे बैठा था चंदूखर बाजार पे, वहाँ पे धक्का मुक्की करी उसने मेरे साथ, मैं अपने घर आ गया। उसके बावजूद मेरा कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे घर आया सारा घर तोड़ दिया, आप घर भी जाना चाहेंगे। उन्होंने मेरे से हाओ पूछा नहीं भाव करके घर बैठे, कोई मामला नहीं था जी कुछ भी। उन्होंने पता नहीं कौन सी रंजिश निकाल ली, क्या निकाल ली क्या नहीं, कोई लेन देन नहीं हमारा उनके साथ, कोई कुछ नहीं था। जो है मेरे बच्चे पे भी हुआ सर, और मेरी माता जी पड़ी आई हैं, माता जी पे भी हुआ है। वो सर हथियार लेके आ रहे थे, देसी कट्टे और तलवार थी उनके पास, और रोड थी, और जी टोकी बिट्टे सब कुछ था उनके पास, दो कुल्हाड़ी ले रहे थे जी।
फोन के पुलिस प्रशासन में मैंने उससे पहले फ़ोन कर दिया SHO साहब के पास भी और बलकार सिंह के पास भी, तो इन्होंने बोला अब हम आ रहे हैं। उसके 10 मिनट बाद उन्होंने पहले घर के आगे खड़ी करके गए, 10 मिनट बाद क्या बिलासपुर से और मंडी गेट में 2 मिनट लगते हैं पुलिस के, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कभी आई नहीं थी पुलिस, बिल्कुल मौके पर नहीं आई थी। दरवाजे खिड़की फाड़ के तब मेरे घर के अंदर घुसे, सारी अलमारी खिड़की सब तोड़ फोड़ के तब गए हमारे को बिल्कुल वो करके भी। काफ़ी सारी बारिश है, पता नहीं क्यों, मतलब भैया आप कौन हो, यहाँ पे किस लिए आए हो, ये वो बोलना नहीं, ये कैसे दरवाजों पे दे लट दरवाजा तोड़ के अंदर बढ़ गए, सारा सामान तोड़ दिया। मैंने उनकी वीडियो शूट करने लगी, बोले तेरे को मारेंगे, मैंने कहा मार दो, बोले फ़ोन दे, मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं देती, हमारा सारा सामान, लॉकर की चाबी है, जब लॉकर में मैंने लॉक नहीं लगा रखे थे हैं क्योंकि घर पे कोई ऐसा तो होता तो है नहीं, तो हमारा सारा सामान निकाल के सारा घर तोड़ फोड़ करके भैया पता नहीं कौन था कौन नहीं था। पीलीभीत में बाढ़ का पानी कम होते ही शारदा नदी ने तेजी से भू कटान करना शुरू कर दिया है। शारदा ने तबाही मचाते हुए अब तक 100 एकड़ कृषि भूमि को निगल लिया। वहीं नदी भू कटान करते हुए शारदा तट के पास बसे गांव राहुल नगर तक पहुंच जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। भू कटान को देखते हुए ग्रामीण गांव से दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भू कटान की सूचना पर आनन फानन में जिला प्रशासनिक अमले ने मौका मुआयना कर रात्रि कैंप कर भू कटान को रोकने के लिए बचाव कार्य करना शुरू कर दिए। यहाँ पे लगभग 23 तारीख से कटान हो रही है और कटान को रोकने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे कैंप किए हैं, लगातार कैंप किए हैं और उसमें बोरियों में क्रेट में भर करके और बाढ़ बचाव कार्य कर रहे हैं। बाकी आज जो है ADM साहब SDM साहब भी लगातार आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में आज हम टीन सेट मंगा रहे हैं, टीन सेट मंगा के ठोकरे कटर बना रहे हैं, कटर बना के बाढ़ बचाव कार्य कर रहे हैं। बाकी और जो है झाऊ झाकड़ पेड़ की टहनियाँ बांस सब लगा करके बाढ़ बचाव कार्य कर लगातार जारी कर रहे हैं, गांव को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। महज शारदा नदी जो है गांव से लगभग कितनी दूरी पर इसमें बह रही है? शारदा नदी लगभग 100 मीटर की दूरी पर आ गई है, लेकिन लगातार हम लोग काम बचाव गाँव रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कुछ नुकसान किसी परिवार का या अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोशिश कर रहे हैं कोई नुकसान ना हो, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कौन से गांव में इसमें कटान चल रहा है? राहुल नगर। बाढ़ का पानी कम होते ही शारदा नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। शारदा नदी ने सप्ताह भर पहले तेजी से भू कटान शुरू कर दिया था। कटान करती हुई नदी गाँव राहुल नगर की ओर बढ़ रही थी। नदी के कुछ दूरी पर गाँव में स्थित कौशल्या देवी का घर नदी में समा गया था। वही शारदा अब तक फसल लगी 100 एकड़ कृषि भूमि निगल चुकी है। कटान करती हुई राहुल नगर की ओर तेजी से बढ़ रही नदी गांव के करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गई है। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। नदी की दिशा में थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसके कारण कटान थोड़ी तेज हुई है, तो उसके लिए अभी सारे जो सिंचाई के अधिकारी हैं और जो भी जिले के अधिकारी हैं वो सब अभी यहीं पर हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जितना अनुसरण कार्य हो सकता है जितनी कटान बचाई जा सके उसका प्रयास किया जा रहा है। इस समय सर कौन से गांव में कटान चल रहा है? ये चलिए हजारा गाँव हमारी कटान हो रही है और प्रमुख सचिव जो भी अनुरक्षण कर रहे हैं।